नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवबन नक्सल। दोस्तों, अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि पुलिस स्टेशन में या सिविल कोर्ट में या रेरा में जब आपके साथ बिल्डर सेटलमेंट में आता है तो वो आपके साथ कैसे धोखा कर सकता है, और अक्सर कई बार इस तरह से धोखा किया जाता है फ्लैट बायर्स के साथ। शुरुआत करते हैं पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी। ये टाइप के धोखे में पुलिस भी शामिल हैं, पुलिस को पता होता है। कभी कभी पुलिस का सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स बैठते हैं आपके साथ और बिल्डर के साथ, और वो सेटलमेंट करवाते हैं, और शायद ये सेटलमेंट करवाने के क्या मिलते हैं हम जानते नहीं हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिलते भी हैं। और ये सेटलमेंट एक छलावा है, एक इल्यूजन है, मृग तृष्णा। वो फेल हो जाता है क्योंकि उसको फेल होना ही था, और बिल्डर फ्री है। बिल्डर के अगेंस्ट पुलिस केस नहीं, कुछ नहीं। सिंपल तरीका है इसको, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। सेम वे आप सिविल कोर्ट में जाते हो, आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बिल्डर ने आपको चीट किया है या आपसे पैसे लिए हुए हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने अपने अग्रीमेंट को ऑनर नहीं किया है, अग्रीमेंट से हटके आपको ये फ्लैट दिया है, उसका साइज छोटा होगा, और आपको लगता है चलो मैं जाता हूं सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में जाते हो और आपको उम्मीद है कि आप जीतोगे। सामने वाला वकील आपके वकील को अप्रोच करता है, कहता है क्यों ना हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हो और आपको मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अब मैं ये सारे एग्जाम्पल्स किस तरह से होते हैं, आपके साथ चीटिंग कैसे होता है, ये मैं समझाने जा रहा हूं। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। तीसरा एग्जाम्पल है रेरा। आप रेरा में जाते हो, केस सही चल रहा है, आपके तरफ में आपके साइड पे जजमेंट आने जा रहा है। सामने वाला जो वकील है उसको पता चल जाता है, या तो रेरा मेंबर के बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, या फिर वो रेरा मेंबर के साथ में जाके बैठते हैं और बातचीत करते हैं और कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है, या सामने चल के कभी कभी रेरा मेंबर बोल भी देता होगा। जैसे भी हो, उसको पता चलता है कि ऑर्डर आपके फेवर में जा रहा है या जजमेंट आपके फेवर में जा रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके यानी ये केप्ट फॉर ऑर्डर है, मतलब अगले सेशन में कुछ दिनों में ऑर्डर आना है और वो आपके पक्ष में आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट करवा लेते हैं आपके साथ, आपके वकील के साथ बात करके, आपको गुमराह करके। आपके वकील गुमराह होते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप जरूर गुमराह हो जाते हो। वो आपके साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ मिलता है आपको, और कभी कभी ये भी होता है कि आपको मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। ये कैसे होता है, ये सिस्टम क्या है, चीटिंग का ये तरीका क्या है, आज मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं। वापस हम लोग जाते हैं FIR और पुलिस और पुलिस स्टेशन और उस माहौल में, और किस तरह से उस माहौल में चीटिंग होता है आपके साथ। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। बिल्डर ने आपको चीट किया है, चीटिंग का FIR बनता है, ऐसे समझ के चलते हैं। क्लियर कट चीटिंग है, चीटिंग का FIR बन सकता है, या फोर्जरी, चीटिंग, ये एक्सटॉर्शन, ये टाइप के ऑफेंसेस क्लियर कट है बिल्डर के काम में। या फिर महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट MOFA का उल्लंघन किया, उसका FIR बन सकता है।
उसने आपसे 20% से ज्यादा अमाउंट ले लिया और आपके साथ अग्रीमेंट नहीं किया है, इसका मतलब मोफा ऑफेंस है। मोफा ऑफेंस मतलब FIR बनता है। तो आप जाते हो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लेकर। अब देखिए ट्रैप कैसे शुरू होता है और बहुत ही लॉजिकल है। आपको लगेगा ये लॉजिक की पटरी पे ही लेके जा रहा हूं मैं, और आप लॉजिक की पटरी पे ही लेके जा रहे हो, और वो लॉजिक की पटरी कहां पे पहुंचती है, जहां पे बिल्डर पहुंचाना चाहता है। तो देखिए आप FIR करने जाते हो, पूरा कंप्लेंट लिख के लेके गए, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इंस्पेक्टर लेवल का भी बंदा होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपसे बात करता है, आपसे स्टेटमेंट भी शायद ले लेता है, लिखवा के स्टेटमेंट लेता है, और फिर वो कहता है सर आपको क्या चाहिए। आप कहते हो मुझे मेरे पैसे चाहिए, नेचुरली सर आपको क्या चाहिए का जवाब तो एक ही होता है ना। वैसे जवाब दो हो सकते हैं, दूसरा जवाब हो सकता है। दूसरा जवाब यह है कि मैं इसको बिल्डर को पनिश करवाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो चीज तो है कि मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। तो आप पुलिसमैन से कहते हो कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो ये कहता है चलो मैं बिल्डर को फोन करके बुलाता हूं, और वो बिल्डर को बुलाएगा। शायद ऑलरेडी भूमिका तैयार किया हुआ था, बिल्डर ने ऑलरेडी अप्रोच किया हुआ था, वो सब ये सब बात हो चुकी थी, इंस्पेक्टर ने जो पैकेट लेना था वो ले लिया था। अब आपके सामने ड्रामा रचाया जाता है। ड्रामा कैसे रचाया जाता है कि वो बिल्डर को डांटते हैं, बराबर से डांटते हैं, और फिर कहते हैं देख सेटलमेंट करना है तो अभी समय है, दे दे पैसे अभी इसी वक्त। बिल्डर कहता है सर मैं देने को तैयार हूं। तो लिख के देगा, हां सर मैं लिख के दूंगा। वो लिखता है, क्या लिखता है, मैं इसके 10 लाख रुपए लौटा दूंगा। ठीक है, फ्लैट बायर का नाम लिखा, पूरी तरह से लिखा, मैं इसके 10 लाख रुपए लौटा दूंगा, और बिल्डर ने साइन कर दिया। फिर वो आपसे कहते हैं सर अगर वो 10 लाख रुपया लौटा रहा है आपके, तो फिर आप भी अपना कंप्लेंट वापस लोगे ना। तो बोले हां, तो ठीक है सर साइन कर दो यहां पे कि मैं संतुष्ट हूं, और मैं अपना FIR का एप्लीकेशन, मेरा कंप्लेंट वापस ले रहा हूं। आपने साइन कर दिया। अब आपको लगता है मैंने पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने मैंने साइन किया है, और वो उसने बहुत अच्छी तरह से डांटा बिल्डर को, तो भाई मेरा काम हो गया। बिल्डर ने लिख के दे दिया मैं दे रहा हूं 10 लाख। आपने कहा मैंने FIR विड्रॉ कर दिया। आप देख रहे हो क्या होने जा रहा है। आपने आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूं। बिल्डर 10 लाख नहीं देता है, वो नहीं देता है। उसने लिख के कमिटमेंट दे दिया पुलिस को, आपने भी लिख के साइन कर दिया कि मैंने FIR विड्रॉ कर दिया। ओके, अब वो पैसे नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है, बेशर्म होके नहीं देता है। वो आपका फोन ही नहीं उठाएगा। आप क्या करोगे, आप वापस रोते रोते जाओगे पुलिस के पास। पुलिस क्या कहेगी, डू यू थिंक, आपको ऐसे लगता है कि पुलिस बिल्डर को सामने बुलाएगी और कहेगी भाई तूने कमिट किया था पैसे दे दे वरना मैं FIR लिखूंगा। डू यू थिंक, अगर पुलिस ने पैसे खाया है तो पुलिस कहती है सर उसने अग्री किया, आपने भी अग्री किया, आप दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, मेरे पास एक कॉपी है उसका प्रूफ है, आपको मैं वो उसका कॉपी दे देता हूं सर प्रूफ ले लो। अब सर आपको जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट में।
क्योंकि ये आपके बीच में अग्रीमेंट है और उसने अग्रीमेंट को तोड़ा है, बिल्डर ने अग्रीमेंट को तोड़ा है। ऑफेंस नहीं हुआ, क्रिमिनल ऑफेंस कहां हुआ सर? आप कहोगे चीटिंग मोफा ये वो, सर लेकिन वो सब रिजॉल्व कर दिया ना, और वो रिजॉल्व करके उसका समावेश जो है वो ये अग्रीमेंट है, ये आपने जो लिखा है वो अग्रीमेंट ही तो है आपने पुलिस स्टेशन में जो किया। तो भाई आप अब ले जाइए इसे और जिधर जाना है जो कोर्ट में जाना है लेके जाइए, सिविल कोर्ट में जाना है, रेरा में जाना है, जहां जाना है, बट अब मेरे पास मत आइए, मैं FIR नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि मैंने तो रिजॉल्व कर दिया, मैंने केस सॉल्व कर दिया और मैंने स्टेशन डायरी में एंट्री भी कर दिया कि केस सॉल्व। ये आपके साथ हो सकता है। दूसरा आउटकम यह भी हो सकता है कि बिल्डर आपको एक चेक दे देता बकायदा उसी दिन पुलिस स्टेशन में, पुलिस के सामने चेक देता है। आप संकोच में रहते हो, आप ये नहीं कहते हो मुझे RTGS दो, मुझे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर दो, मुझे डिमांड ड्राफ्ट दो, ये सब आप नहीं कहते हो। बिल्डर कहता है देखो, पुलिस वाला कहता है देखो सर ये दे रहा है शराफत से, आपको थोड़ा तो ट्रस्ट रखना पड़ेगा। और अगर चेक बाउंस हुआ तो आपके पास कानून है ना सर, आप चेक लेते हो, आपने साइन करके दे दिया पुलिस को कि मैंने मेरा कंप्लेंट विड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या होता है, चेक बाउंस होता है। अब चेक बाउंस हुआ तो वापस आप गए पुलिस स्टेशन, अब पुलिस इंस्पेक्टर कहेगा सर मैं क्या कर सकता हूं, अब आप जाइए और चेक बाउंसिंग का केस करिए। चेक बाउंसिंग का कानून है, चेक बाउंसिंग का केस सुनने के लिए जजेस बैठे हैं, स्पेशल जजेस हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, आप जाइए सर और वहां पे चेक बाउंसिंग का केस कर दीजिए। लेकिन आप FIR करने गए थे पुलिस स्टेशन में, उसका क्या हुआ? वो कहेंगे सर देखो वो तो आपका सेटल हो गया, आप FIR करने जा रहे थे, मैंने आपका सेटलमेंट करवा दिया, आपका सेटल हो गया, सेटल होके आपने लिखित दे दिया कि अभी आपको कोई शिकायत नहीं है, अब आपने चेक भी एक्सेप्ट किया, अब वो चेक बाउंस हुआ तो मैं क्या करूं? ये एक तरीका है। तो इस तरह से पुलिस स्टेशन में चीटिंग का फैसिलिटेशन होता है। अगर आप सावधान नहीं हो, अगर आप कड़क नहीं हो, इसके सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ये है कि आपको कहना चाहिए कि मुझे सेटलमेंट नहीं करना है बिल्डर के साथ, आप FIR लिखिए, मुझे बिल्डर को पनिश करवाना है, उसको दंडित करवाना है, आप FIR लिखिए। और ये भी कह सकते हो पुलिस से कि सर अंडर आपके जो भी पावर्स हैं ना, वो सारे पावर्स आते हैं CRPC में से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपके सारे पावर्स का एक ये है, कोडिफिकेशन है, एक किताब है। कहीं भी CRPC में नहीं लिखा है कि आप मांडवली करवा सकते हो, कहीं भी सेटलमेंट करवाने की बात नहीं लिखी हुई है। तो सर आप ये सब मत करिए, आपके पास कोई पावर नहीं है, आप सिर्फ ऑफेंस रजिस्टर करिए, FIR लिखिए और इन्वेस्टिगेट करिए। और सर अगर आप ऑफेंस रजिस्टर नहीं कर रहे हो तो बोल दो, तो मैं मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा। ये सब मत करो, मुझे सेटलमेंट में मत खींचो। सी सेटलमेंट अगर करना है पुलिस स्टेशन में करने की कोई जरूरत नहीं है, और एक्चुअली करना धोखा होगा, डेंजरस है आपके लिए। पुलिस स्टेशन में सेटलमेंट मत करो, अगर सेटलमेंट ही करना है तो वो बाहर होना चाहिए, पहली बात। पुलिस को इन्वॉल्व मत करो इसमें। और दूसरी बात कि डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर लिए बगैर किसी भी तरह की माफी देने की बात ही नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट आया या बैंक ट्रांसफर आ गया, बैंक में पैसे आ गए, ठीक है उसको माफ कर दो। तो ये हो गया पुलिस स्टेशन वाला। अब मैं आपको समझाता हूं सिविल कोर्ट वाला।
तो सिविल कोर्ट वाला कैसा है कि आप जाते हो सिविल कोर्ट में, ये अभी पुलिस स्टेशन का ट्रैक अलग है, आपके साथ बिल्डर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने कहा था कि वो आपको दे रहा है 850 स्क्वायर फुट का घर और एक्चुअल में आपको दिया है 650 स्क्वायर फुट का घर, ठीक है। अब आप मान लेते हैं कि आप गए सिविल कोर्ट में क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट को उसने तोड़ा है, तो आप गए सिविल कोर्ट में या कंज्यूमर कोर्ट में या फिर रेरा में, ये तीनों जगह जा सकते हो। आप गए, अब एक काम ऐसे हो सकता है कि बिल्डर का वकील जो है वो आपके वकील के पास आएगा या आपके पास आएगा और कहेगा सर, इमीडिएटली नहीं होने वाला है, ये काम आगे चल के होता है, कि सर चलिए आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेते हैं। कभी कभी जजेस भी सामने से कहते हैं आप सेटल कर लो ना, बात कर लो ना, तो आपको लगता है ठीक है सही है, जज की निगरानी में कोर्ट की निगरानी में हम सेटल करेंगे। तो सेटलमेंट, तो बिल्डर आपको आधा अधूरा सेटलमेंट कहेगा, उसने आपके आपका समझो 20 लाख का नुकसान करवाया या तो भी वो कहेगा नहीं मैं आपको 5 लाख देने को तैयार हूं या 2 लाख देने को तैयार हूं, इस तरह से वो आपके साथ नेगोशिएट करेगा। चलो नेगोशिएशन में आप जीत गए मान के चलते हैं, आपको 20 लाख देने के हैं, 20 लाख का चेक उसने दे दिया, याद रखो चेक, और चेक डिपॉजिट करने से पहले उसी दिन सेम डे जब आपका एग्रीमेंट हो गया बिल्डर के साथ, आपने साइन कर दिया, सेम डे शाम को उसी दिन आप जज के सामने चले गए, हमारा म्यूचुअल कंसेंट में ये हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमने नेगोशिएट किया और हम अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर चुके हैं। ये हो सकता है रेरा के सामने, यही बात हो सकती है कंज्यूमर कोर्ट में और यही बात हो सकती है सिविल कोर्ट में, हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर चुके हैं, आप साइन करके लिख के दे देते हो, उसके बाद बिल्डर का चेक बाउंस होता है, अब आप वापस नहीं जा सकते हो, अब वो केस को आप चालू नहीं कर सकते हो क्योंकि चेक बाउंस होता है तो जज कहेंगे अच्छा चेक बाउंस किया ना उसने, तो जाओ चेक बाउंसिंग का केस करो। तो इस तरह से वापस वो आपको बैक टू द पेविलियन कर देते हैं। आपका अच्छा खासा केस था, पका हुआ था, यानी परिपक्व था जिसको कहते हैं, मैच्योर केस था, सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में या कंज्यूमर कोर्ट में या रेरा में, और अगर बिल्डर ने आपको गुमराह कर दिया और वो चेक के लालच में आपने साइन कर दिया और सेम डे कह दिया, और अगर आप डाउट दिखाते हो तो कहते हैं सर क्या सर, आप थोड़ा भी भरोसा नहीं रखोगे, इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं आपको लगता है कि मैं इतना कमीना हूं कि मैं चेक बाउंस करूंगा क्या सर, और आपका खुद का वकील कहेगा नहीं नहीं डोंट वरी ऐसे सब नहीं होता है, आप फिक्र मत करो मैं हूं ना, अब वही वकील कहेगा हां तो चलो अब चेक बाउंसिंग का केस करते हैं, तो इस तरह से आपको गुमराह किया जाता है इसमें कोर्ट में। और एक तरीका है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि आपके फेवर में ऑर्डर आने जा रहा है और बिल्डर के जो लोग हैं, बिल्डर के वकील और शायद आपके भी वकील को वो पैकेट देके अंदर कर लेंगे, साथ में कर लेंगे, और ये सब लोग आपके पास आके कहते हैं हमको लगता है कि आप बुरी तरह हार जाओगे, ऑर्डर या जजमेंट आपके अगेंस्ट में आने वाला है, आपके फेवर में नहीं आने वाला है, बिल्डर के फेवर में आने वाला है, आपका भी वकील उसी बात को दोहराएगा सर आपका केस वीक है, बिल्डर का केस स्ट्रांग है, अगर बिल्डर कुछ दे रहा है मान लो ले लो खत्म करो, और कभी कभी आपका वकील ऐसे भी कह देगा सर और ये सब आप मेरी एडवाइस नहीं सुनोगे ना
मेरा सपोर्ट गया, मैं अब नहीं अपियर होने वाला हूं आपके लिए, आप किसी और को रख लो, ये भी कह देगा। अब इतने दबाव में आकर आपको लगेगा कि चलो यार एक सेटलमेंट हो रहा है, मुसीबत दूर हो रही है, ये कोर्ट के यू नो तारीख तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मैं कंटाल गया था, मैं थक गया था, मैं वकील को पैसे दे दे के थक गया था, अब सामने से बिल्डर चल के आया है सेटलमेंट करने, आपका थोड़ा ईगो बूस्ट भी हो जाता है, देख मैं जीत गया, वो मेरे साथ सेटलमेंट करना चाहता है। और फिर वो जो बिल्डर, यानी आपको पूरा आपका केस के आपके आपको जो चाहिए था सब कुछ मिलने वाला था, आपको जैसे ऑर्डर चाहिए था वैसे मिलने वाला था, लेकिन बिल्डर के लोगों ने आपका कॉन्फिडेंस हिला के आपको ये कह देते हैं, सर देखिए वैसे आपको 25 लाख रुपए का यू नो रिफंड और कॉम्पेंसेशन और ये सब चाहिए, चलिए सर हम हमारे जो बिल्डर हैं, हमारे सेठ जो हैं बहुत ही जेनरस हैं, बड़े दिल वाले हैं, चलिए 10 लाख पे क्लोज कर देते हैं, आपका नाम यानी हम आपका मान रखते हैं, आगे से दुश्मनी ना हो, इसलिए ऐसे कह के वो 10 लाख पकड़ा देंगे, वैसे आपको 25 लाख मिलने वाला था लेकिन वो आपको 10 लाख का पैकेट पकड़ा देंगे, अच्छा या फिर वो भी चेक दे देंगे और फिर वो चेक बाउंस भी हो सकता है, वो एक बात अलग है, या फिर वो ऐसे भी कर सकते हैं कि कभी कभी ये बड़े ग्रुप्स के साथ होता है, बड़े ग्रुप्स को एसोसिएशंस को वो सेटल करते हैं, कहते हैं हमारा जो जमीन है वो ले लो, जमीन आपके नाम कर दिया, किसके नाम, एसोसिएशन के नाम, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ फ्लैट बायर्स कोर्ट में गया था, लैंड आपके नाम कर दिया, प्रोजेक्ट लैंड, बाद में पता चलता है यार ये प्रोजेक्ट लैंड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लिटिगेशन है, वो प्रोजेक्ट लैंड यानी जितने लोगों को जितने जितना डेवलपमेंट राइट्स चाहिए उतना है नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वो लैंड बिल्डर का है ही नहीं, बिल्डर का उसके ऊपर टाइटल है ही नहीं, और वो चीज उन्होंने साइन करवा के ले लिया, बिल्डर ने कहा कि हम लैंड दे रहे हैं, और ये लोग कहते हैं वी आर सेटिस्फाइड, और एक बार वो वी आर सेटिस्फाइड कह के आउट ऑफ कोर्ट का जज के सामने रख देते हो, वहां पे आपका क्लोज हो जाता है, दी एंड हो जाता है, पैकअप हो जाता है। ये टाइप के छल करते हैं, ट्रिक्स खेलते हैं बिल्डर्स, और इसमें रेरा मेंबर्स, जजेस, पुलिस और आपके वकील सब शामिल हो सकते हैं, सावधान रहिए। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण दियोरबन नक्सल, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जय।